भाकियू तोमरगुट के आज किसान कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार रवाना हो गए। भाकियू तोमरगुट के जिला अध्यक्ष नीतू नैन उर्फ बोका के साथ किसान कांवड़ के साथ हरिद्वार के लिए रवाना हुए तो उनका गर्मजोशी के साथ जगह जगह स्वागत हुआ। गुट के जिला अध्यक्ष नीतू नैन ने हरिद्वार रवाना होने से पहले कहा कि कृषि कानून के विरोध में चलाए गए आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए किसान कांवड़ लाई जाएगी। हरिद्वार से गुफा वाले मंदिर तक लाई जाने वाली इस कांवड़ में गुट के काफी सदस्य शामिल हैं। नीतू नैन ने बताया कि 13 माह तक दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानून के विरोध में किसानों ने आंदोलन किया। इस आंदोलन में 750 किसान शहीद हुए, लेकिन सरकार ने आज तक इस संबंध में कुछ नहीं बोला है। आपका परिचय? मैं भारतीय किसान यूनियन तोमर से जिला अध्यक्ष बागपत चौधरी नीतू नैन और बोक्का भाई। नीतू जी, आज स्कॉर्पियो सजवा के आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्या मकसद? हम गाड़ी लेके आज हरिद्वार जा रहे हैं। जो दिल्ली आंदोलन होया था तीन काले कानून को लेकर, उसमें 750 किसान भाई हमारे शहीद हो गए थे, उस पर आज तक सरकार ने एक बोल तक नहीं बोला। उनकी शहादत में हम हरिद्वार से किसान कार्ड लेकर आएंगे और सरूर बुकला गुफा वाले बाबा पे अपना जलाभिषेक करेंगे। किसान कांवड़ जो है, ये किसान आंदोलन को समर्पित है? हाँ जी, किसान आंदोलन को समर्पित है और जो सरकार आंख बंद करे बैठी है 750 किसानों की शहादत में, उनकी आंख खोलने के लिए। क्या मांग है इसके माध्यम से आप? मांग कुछ नहीं, हम तो बस ये सम्मान चाहते हैं। 750 किसान भाई जो शहीद हुए हैं, उन्हें शहीद का दर्जा मिले और सम्मान मिले। क्या